हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, डिटरमिनेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपकी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। कहने का मतलब है, क्या कहता है ये, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रो को तो कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स और जो उसका ट्रांसपोज होता है, दोनों का ही डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहता है, आपका सेम रहता है। यानी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि a1 b1 c1 था, फर्स्ट रो थी, इसको अगर हमने फर्स्ट कॉलम में कह दिया क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, तो उससे डिटरमिनेंट के ऊपर क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। हमेशा क्या होंगी, दोनों वैल्यूज आपकी सेम रहेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहता है, If two rows or columns of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed. अगर किन्हीं भी दो रो को या किन्हीं भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज का मतलब होता है उनकी पोजिशन चेंज करना। जैसे कि ये फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है, अगर मैं फर्स्ट को तो सेकेंड की जगह ले आऊँ और सेकेंड को फर्स्ट की जगह ले जाऊँ, तो इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे सिर्फ जो डिटरमिनेंट है उसका क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम किन्हीं भी दो रो को या किन्हीं भी दो कॉलम को, जैसे फर्स्ट को सेकंड की जगह लेंगे, सेकंड को फर्स्ट की जगह, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिर्फ साइन का चेंज होगा। मतलब जैसे अब ये ए है तो वो क्या बन जाता है, फिर माइनस ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है, क्या होगा वहाँ पे, नेगेटिव साइन लगता है। एक चीज़ और, हम सेकंड से थर्ड पे जा सकते हैं, ये नहीं है कि आप सीधा फर्स्ट से थर्ड पे चले जाओगे, नहीं, फर्स्ट से थर्ड इंटरचेंज नहीं होगा, थर्ड से फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। एक तो ये बीच में ड्रॉप नहीं, हम फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, इस तरह से रोटेशन चलती है हमारी, ठीक है, तो इस तरह से वो इंटरचेंज होती है आपकी, क्लियर है। तो वहाँ पे जितने बार भी आप उनको इंटरचेंज करोगे नेगेटिव साइन आता रहेगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, यही था कि डिटरमिनेंट ऑफ बी, बी ने इसको इंटरचेंज करने के बाद दिया है माइनस वन की पावर एन ऑफ ए। एन का मतलब है जितनी बार भी आप उसको इंटरचेंज कर रहे हो, एक बार कर रहे हो तो नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा, दो बार कर रहे हो तो पॉजिटिव बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा माइनस वन का, तीन बार कर रहे हो फिर नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है ये, इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, आइडेंटिकल का मतलब होता है जब वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिख रही है आपको, a1 b1 c1, ठीक है, फिर a2 b2 c2, नेक्स्ट भी क्या है a2 b2 c2, दोनों की दोनों रो क्या है, ये बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों रो क्या है आपकी, आइडेंटिकल है। देन डिटरमिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। अगर आपके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर वो क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट आपका हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई द सेम फैक्टर, किसी भी सेम फैक्टर से हर एक रो और हर एक कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई दैट फैक्टर। डिटरमिनेंट भी क्या होता है, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जैसे कि ए आपकी मैट्रिक्स ए थी, इसने बी को क्या किया, फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के ए वन के बी वन के से, अब एक रो को किया के से तो वो एक ही पूरी रो में जाएगा, ये नहीं है कि पूरे के सभी एलिमेंट्स में हो जाएगा, जैसे हम मैट्रिक्स में करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता था, जैसे ये मैट्रिक्स आप किस तरह से, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो वो सभी एलिमेंट में जाता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। अब अकेला 3 है तो आप उसको एक ही रो में या एक ही कॉलम में कर सकते हो, या तो एक रो में कर लो या एक कॉलम में, ये नहीं है कि वो सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, सभी रो के लिए आपको अलग अलग चाहिएगा। मतलब अगर आपके पास है 3 × 3 × 3, तभी आप एक एक 3 तीनों रो में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे देखो कुछ रिजल्ट दिए गए हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो के ए किया, ए पहले तो मैट्रिक्स ही होती है, अगर हमने के को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वो के की पावर एन। अब ये एन क्यों यूज़ किया, इसमें इसीलिए यूज़ किया है कि अगर वो 3×3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें 3 रो हो गई, तो हर रो के लिए हम एक अलग के चाहिए, तो वो क्या होगा, के की पावर 3 होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है।
वेयर ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. फिर इफ़ ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड ए इक्वल टू के आई, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जिस भी ऑर्डर की होगी के भी की पावर भी उतनी ही जाएगी. ठीक है. फिर है माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट, अब अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो माइनस ऑफ वन की पावर क्या जाएगा एन डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैट्रिक्स में स्केलर की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से होती है लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होगा, एक स्केलर की मल्टीप्लाई एक रो से होगी या फिर एक कॉलम से होगी. कर सकते हैं. नेक्स्ट है, फिर इसमें एक चीज़ और बोलता है ये, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो में. सेम रेशियो का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये 1 2 3 है, नेक्स्ट लिख दिया 2 4 6 7 8 9. अब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, अगर हम इनको बाई में रखें तो इनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा. इट मीन्स ये क्या है आपके, प्रोपोर्शनल है. अगर सेम रेशियो हो तो वहाँ भी वो क्या हो जाती है, एक तरह से आइडेंटिकल का काम करती है और वहाँ पे डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, जीरो. क्लियर है. क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल है, अगर मैंने यहाँ से टू कॉमन निकाल दिया इस रो से, तो ये बनेगा 1 2 3, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगी तो डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, क्या कहता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स. अगर क्या किया गया, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी रो है और रो के हर एक एलिमेंट को क्या किया गया, यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स, टू टर्म्स के सम में रिप्रेजेंट किया गया, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स. तो उसको हम दो डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हैं. कैसे, जैसे ए मैट्रिक्स तो ये दे दी, जो ए वन है यहाँ पे ट्रांसपोज किया इसने, मतलब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा वन ए वन, अल्फ़ा टू ए टू, अल्फ़ा थ्री ए थ्री. तो यहाँ इसने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या किया है, उसको छोड़ो तुम, ये देखो जैसे ये है, कोई भी मैट्रिक्स आपको इस फॉर्म में दे रखी है, अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा वन, सॉरी ए वन प्लस अल्फ़ा वन, ए टू प्लस अल्फ़ा टू, ए थ्री प्लस. इस कॉल्यूम में सारे के सारे मैट्रिक्स क्या हैं, दो दो टर्म्स की सम में दिखा रखे हैं, तो इनको हम दो डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं. कैसे, ए वन के साथ ये दोनों, और फिर प्लस में अल्फ़ा अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री के साथ बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री. उनको हम अलग अलग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड, कि जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू अनअल्टर्ड का मतलब होता है अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा. इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बी एडेड सम मल्टीपल के, अगर हम किसी रो के साथ क्या करते हैं, कोई भी मल्टीपल क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई चेंज नहीं जाएगा ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग में. कैसे, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, एक डिटरमिनेंट का जैसे ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट, दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ट्रांसपोज का भी और मैट्रिक्स का भी. जैसे किसने क्या किया, ये डिटरमिनेंट है एक, और दूसरे में क्या कर दिया, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में, जैसे ए वन के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या दे दिया, के बी वन के बी टू के बी थ्री, तो दोनों को सम में दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ से आप इसके के को कॉमन निकाल सकते हो और दोनों के इसमें हो जाएंगे डिटरमिनेंट वन प्लस में डिटरमिनेंट सेकंड, दोनों के सम में भी शो कर सकते हैं, उनके डिटरमिनेंट पे कोई चेंज नहीं जाएगा उस चीज़ का. ठीक है. जैसे ये मैट्रिक्स थी यहाँ पे, ये रही, तो इसको हम अलग अलग भी शो कर सकते हैं, कोई भी के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फिर है द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोर्स देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स. कहता है डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, उनको मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट निकाल लें, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के उनके मल्टीप्लाई के. मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी. ठीक है. डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के रूल भी वही हैं जो हमारे मैट्रिक्स में होते थे, वही सेम चलेंगे ऐसे ही. फिर है इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग. इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना बिना एक्सपेंड किए. तो उसमें हम जैसे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे देखेंगे, हम जैसे रो को आइडेंटिकल बना देते, कोई भी कॉलम को आइडेंटिकल बना लेंगे,
उनमें से कॉमन निकाल के जीरो क्रिएट्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनको करते हैं। नेक्स्ट आएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये भी हम क्वेश्चन में समझेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि किस किस तरह के हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो छह तरह के हमारे पास ऑपरेशन है। पहला है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, किन्हीं भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर सेकेंड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाई ए नॉन जीरो स्केलर, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से हम किसी भी रो के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल का, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, दूसरी रो से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड भी कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ टू कॉल्यूम्स, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी कॉल्यूम बाई अ नॉन जीरो स्केलर। देन नेक्स्ट ऑल्सो एडिशन ऑफ अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी कॉल्यूम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर कॉल्यूम, दूसरे कॉल्यूम के साथ। जैसे C1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, C1 प्लस में KC2, C2 के किसी भी C2 जैसे सेकंड कॉल्यूम के सभी एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करके C1 में प्लस कर दिए, ठीक है, हो जाएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं हमारी 4.2, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, तो ध्यान से देखें इसको। 1 मार्क में भी आता है और 6 मार्क्स में भी आता है। एक्सरसाइज 4.2 है आपकी, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब होता है ज़ीरो हो जाना, बिना एक्सपेंड किए हमें ये बताना है कि इनका डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा विदाउट एक्सपेंडिंग। तो देखो किस तरह से करोगे, जैसे ये है आपका, सॉरी क्लियर है, इस तरह से दिया हुआ है ये आपको। तो इसमें देखो कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको। जो 148 है वो होता है आपका बेटा 37 फोर्जा, मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा आपको, ठीक है, और 111 होता है 37 थ्रीजा, ये हो गया 37 1 से मल्टीप्लाई। फिर है 4 3 1, नेक्स्ट है आपका 23 17 and 101, इस तरह से है। यहाँ से अगर हम 37 कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम से 37 कॉमन निकालना, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 4 3 1 4 3 1 23 17 101, ये आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड कॉलम है वो दोनों क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आर आइडेंटिकल सो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा, कर लेंगे सभी। तो ये था आपका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। अब ध्यान दो, इस रो में से अगर हम 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, 3x को कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचेगा, 2 3 2 3x निकालना है, 3 3 जा और 3 4 जा 12x, तो यहाँ 2 3 4 बच जाएगा। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल सो डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट में देखो 2 2 2, ए बी सी, यहाँ ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, फर्स्ट कॉलम से 2 निकल गया तो 1 1 1 बचेगा। थर्ड कॉलम से यहाँ से ए बी सी कॉमन निकाल लिया तो ए बी सी कॉमन निकाला तो 1 1 1 बचेगा। फर्स्ट कॉल्यूम एंड थर्ड कॉल्यूम आर आइडेंटिकल सो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। नेक्स्ट में देखो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड वन प्लस एक्स, ठीक है, जेड एक्स वाई, -3 -3 -3। तो सबसे पहले तो क्या ऑपरेशन लगाओगे, फर्स्ट पे लगा लेते हैं यहाँ पे जेड वाई, जेड एक्स, हमें ये देखना है कि इनको टोटल करके या इनको सब्ट्रैक्ट करके आप इसमें कुछ भी कि सेम आ जाए, हमें सेम क्रिएट करना है पहली बात। तो सेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करोगे, देखो यहाँ से -3 कॉमन निकाल दो, यहाँ 1 1 1 बचेगा आपके पास, यहाँ जेड एक्स वाई है, यहाँ पे क्या करोगे इसके अंदर R1 + R2 कर लो, एक ऑपरेशन लगाएंगे हम R1 पे, R1 + R2, तो x + y + z, y + z + x, z + x + y,
तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों में सेम आ गया, तो कॉमन क्या निकालोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला, वन वन वन, यहाँ भी वन 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 है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसको देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, जैसे इसने साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस ऑफ गामा, कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, कोस ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, कोस ऑफ गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, इस तरह से दे रखा है यहाँ पे आपको। तो ऑपरेशन क्या लगाओगे यहाँ पे, ध्यान देना, हमें पता है अगर इसको थोड़ा सा खोल लें, हम पहले खोल लेते हैं इसको, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कोस बीटा, कोस डेल्टा माइनस में साइन बीटा साइन डेल्टा। ठीक है, यहाँ कोस गामा कोस डेल्टा माइनस में साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखना बेटा, कोस अल्फा इंटू कोस डेल्टा, ध्यान देना, कोस अल्फा कोस अल्फा, कोस बीटा कोस बीटा, कोस गामा कोस गामा, और कोस डेल्टा डेल्टा तीनों के मल्टीप्लाई में, इधर यही सेम टर्म्स है माइनस में, उनके साथ साइन डेल्टा मल्टीप्लाई में है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाओगे ऑपरेशन, मैंने यहाँ सी थ्री पे ऑपरेशन लगा दिया, थर्ड कॉलम पे क्या, सी थ्री माइनस में, सी थ्री में से हमें माइनस करना है क्या, कोस डेल्टा इंटू सी टू माइनस साइन डेल्टा सी वन। ठीक है, देखो कोस डेल्टा सी टू, क्योंकि देखना ध्यान दो, सी थ्री इसमें से हमें माइनस करना, माइनस तो सेम टर्म्स करेंगे, तो इसमें से जब माइनस करोगे तो कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस होगा, और माइनस माइनस ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ऑपरेशन लगाओगे इसमें, ये आएगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है, अब हमें ये ऑपरेशन लगाना है सी थ्री, ध्यान देना अलग से करवा रही हूँ ये चीज़, ये माइनस में रखोगे आप, सी थ्री माइनस कोस डेल्टा इंटू कोस अल्फा माइनस माइनस ये पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस में क्या जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन डेल्टा की, तो साइन अल्फा साइन डेल्टा। तो देखो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये कैंसिल आउट, ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो आएगा। उसी तरह से इन टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ये ज़ीरो ये ज़ीरो। अब हमें पता है अगर आपकी कोई भी रो या कोई भी आपका कॉलम अगर ज़ीरो ज़ीरो है, तो वहाँ पर उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। रीज़न क्या हो गया, सिंस थर्ड कॉलम इज ज़ीरो ज़ीरो, सो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्स पार्ट है, ज़ीरो बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी ज़ीरो सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी ज़ीरो। आप लोग देख सकते हो उसके अंदर जो आपके डायगनल एलिमेंट है वो तीनों के तीनों क्या है, ज़ीरो है। इट मीन्स ये ज़ीरो डायगनल मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा आपका, ज़ीरो आएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में या किसी भी डिटरमिनेंट में अगर डायगनल एलिमेंट आपके ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा आपका, ज़ीरो आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकेंड है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। यहाँ पे क्या दे दिया इसने कि ए बी सी है वो ए पी में है, देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस फॉर्म दे रखी है आपको। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो कि अगर आपके ए बी सी आर इन ए पी, ए पी में है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो आपका टू बी है वो इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ये कहाँ से आया है? हमें पता है अगर ए पी में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो बी माइनस ए इक्वल टू क्या होता है आपका, सी माइनस
बी, जब बी को इधर लाओगे तो वो टू बी हो जाएगा प्लस में, और ए उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस सी। तो यहाँ से आता है ये आपका टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो कंडीशन क्या है कि अगर आपकी ए बी सी ए पी है तो टू बी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे हमारी मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। तो देखो क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका डिटरमिनेंट ऑफ टू वाई प्लस फोर, थ्री वाई प्लस फाइव, फोर वाई प्लस सिक्स, फाइव वाई प्लस सेवन, सिक्स वाई प्लस एट, सेवन वाई प्लस नाइन, एट वाई प्लस ए, नाइन वाई प्लस बी और टेन वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो करना है। श्योर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाओगे, ऑपरेशन लगाएंगे हम आर वन पे। क्या लगाओगे आर वन पे, आर वन प्लस आर थ्री माइनस में टू आर टू। अब ऑपरेशन कैसे लगाया हमने, एक चीज़ देखना, आर वन प्लस आर थ्री ध्यान दो, इन दोनों को प्लस करना है, टू वाई प्लस एट वाई टेन वाई, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ आर टू करना है तो फाइव वाई का डबल कितना होता है, फाइव टू का टेन वाई, तो एट वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो इसलिए हमने इस तरह से ऑपरेशन लगाया है। तो क्या बनेगा, आर वन पे लगाया, देखो आर वन प्लस आर थ्री, तो इन दोनों का टोटल करोगे, दोनों का टोटल क्या आएगा, ध्यान देना, अलग से करवा देती हूँ, देख लो एक बार, टू वाई प्लस फोर प्लस में एट वाई प्लस ए प्लस माइनस में इसका डबल करना है तो टू फाइव ज़ार टेन वाई और माइनस में फोर्टीन, ठीक है, तो टू वाई एट वाई कितना बन गया, टेन वाई, टेन वाई से टेन वाई गया, नाइन और फोर, सॉरी नाइन नहीं है ये ए है, ठीक है, तो ए प्लस फोर, सॉरी बेटा मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे कॉलम्स को ऐड कर दिया, कॉलम्स को ऐड नहीं करना, रो को ऐड करना है हमें, ठीक है। तो आर वन प्लस आर थ्री है, इनको ऐड करोगे यहाँ पे, टू वाई प्लस फोर प्लस में फोर वाई प्लस सिक्स माइनस में इसका डबल करना है हमें, आर टू का डबल करना है तो सिक्स वाई माइनस टू फाइव ज़ा टेन, तो सिक्स वाई से आपका फोर वाई, टू वाई सिक्स वाई गया, सिक्स फोर आपका कितना है टोटल टेन गया, तो ओवरऑल कितना आ गया आपका ज़ीरो, तो ये आएगा आपका ज़ीरो, ठीक है। वैसे ही देखो सेवन फाइव ट्वेल्व और सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व वाई हो जाएगा, नाइन और सेवन सिक्सटीन और एट टू ज़ा सिक्सटीन, ये भी कितना आएगा आपका ज़ीरो, ठीक है। इसमें देखो एट और टेन एटीन वाई और नाइन टू ज़ा एटीन, एटीन वाई से एटीन वाई जाएंगे, फिर इन दोनों को तो प्लस करना है हमें, ए प्लस सी और माइनस का क्या रखना है टू बी, और ये एज इट इज़ सिक्स वाई प्लस एट, सेवन वाई प्लस नाइन, नाइन वाई प्लस बी, टेन वाई प्लस सी। अब हमें पता है, हमने अभी अभी किया था कि ये ए पी में है, कि जो टू बी है वो किसके इक्वल है, ए प्लस सी के है, तो जब टू बी की जगह नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस सी रखोगे तो माइनस ए माइनस सी, ये गया ये गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो फर्स्ट रो आपकी क्या आ जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगी। अगर आपकी कोई भी एक रो ज़ीरो है तो उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ज़ीरो, कर लोगे हो जाएगा। सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसका सेम एज इट इज़ इसी वैसे करना, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है आपका प्रूफ दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू ए, टू ए प्लस वन, थ्री टू ए प्लस वन, ए प्लस टू, थ्री वन 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 इक्वल टू ए माइनस वन का क्यूब, ये चीज़ शो आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब इस तरह का डिटरमिनेंट आ जाए, जब यहाँ पे देखो वन वन मिल रहा है, तो इसको हम कैसे शो करते हैं, कैसे प्रूव करना होता है। तो जब आपको कोई भी थ्री वन वन क्रिएट हो जाते हैं, जब करना क्या होता है बेटा, हमें कोई भी दो ज़ीरो क्रिएट करनी है, ठीक है, दो ज़ीरो क्रिएट करेंगे, वो या तो एक रो में हो या एक कॉलम में हो, कर दी, और फिर तीसरा वन के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड रहेगा हमारा, क्लियर है आपको। तो अब यहाँ पे फर्स्ट हमें ज़ीरोज़ क्रिएट करने हैं, तो ज़ीरोज़ के लिए सबसे पहला ऑपरेशन तो क्या लगाओगे, हमें पता है अगर आर वन को में से हम आर टू को माइनस कर देते हैं और आर टू में से आर थ्री को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दो ज़ीरो हो जाएंगे। तो पहला ऑपरेशन आर वन पे लगेगा आर वन माइनस आर टू, एंड आर टू पे लगेगा आर टू माइनस आर थ्री।
तो देखो आर वन पे ऑपरेशन लगा, आर वन माइनस आर टू करना है आपको, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए, माइनस में टू ए माइनस वन है तो टू ए से टू ए कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वन, फिर टू ए प्लस वन, टू ए प्लस वन माइनस ए माइनस टू, टू ए में से ए गया ए, प्लस का वन माइनस का टू तो ए माइनस वन, और वन में से वन गया सिर्फ, ठीक है। अब आर टू पे लगाते हैं, आर टू माइनस आर थ्री, टू ए प्लस वन माइनस थ्री तो माइनस थ्री, प्लस का वन माइनस का टू बचेगा तो टू ए माइनस टू, ए प्लस टू माइनस थ्री तो टू प्लस का है थ्री माइनस का तो ए माइनस वन, और वन में से वन गया सिर्फ, ठीक है। थर्ड एज इट इज हो गया। अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप में हम वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अगर कॉमन निकल रहा है तो हम उसको में से कॉमन निकाल लेंगे। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस वन क्या होगा आपका, ए माइनस वन ए प्लस वन होगा, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, ए माइनस वन निकाल दिया फर्स्ट रो में से, तो जब फर्स्ट रो में से निकाला तो ये वन, ये वन, सॉरी ये वन नहीं आएगा, ये ए प्लस वन, क्योंकि ए माइनस वन निकाल दिया हमने, ए प्लस वन बच गया, ये वन ये ज़ीरो, ठीक है। सेकेंड रो में से देखो, यहाँ से अगर मैं टू कॉमन निकालूँ तो क्या बचता है, ए माइनस वन बचता है, सेकेंड रो में से भी हमने ए माइनस वन कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, टू, यहाँ वन सिक्स, थ्री थ्री वन, हो गया। तो बाहर क्या आ गया आपका, ए माइनस वन का स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर देंगे वन के अकॉर्डिंग, तो जिसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं वो रो भी और वो कॉलम भी दोनों छूट जाते हैं, तो इनको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस वन और माइनस का टू, तो ये आ गया ए माइनस वन का स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, दैट इज ए माइनस वन का क्यू, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर सकते हैं सभी। तो ये था आपका, जब आपकी वन वन फॉर्म में हो तो इस तरह से इनको सॉल्व करना, कर लेंगे सभी। नेक्स्ट में है, जैसे यहाँ भी आपको देखो फर्स्ट कॉल्यूम में दे रखा है, तो पहले आर वन माइनस आर टू लगाओगे, फिर आर टू माइनस आर थ्री लगाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो, फिर वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो। कर सकते हैं सभी। तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन भी आपका एज इट इज़ है, फिफ्थ भी ऐसे ही है, सिक्स भी सेम जा रहा है क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेवन्थ या एट्थ में से कोई भी एक देख लो, दोनों की फॉर्म एक ही है, एक ही तरह से सॉल्व होंगे दोनों। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं और सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिक्स नहीं सॉरी सेवन्थ। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इक्वल टू करना है हमें एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इस तरह से सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे इसको, ये मैट दिया हुआ है आपको डिटरमिनेंट। अब आप ध्यान दो, फर्स्ट कॉल्यूम में से हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तीनों में एक्स आ रहा है, सेकेंड में वाई कॉमन निकलेगा और थर्ड में Z कॉमन निकलेगा, तो क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे टेकिंग आउट X, Y, Z कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने X, Y, Z तीनों कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो वन, एक्स निकला है, एक्स स्क्वायर में से गया तो एक्स, और फिर क्यूब में से निकल गया तो एक्स स्क्वायर, वन वाई स्क्वायर वाई सॉरी वाई वाई स्क्वायर, फिर वन जेड और जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब एक्स वाई जेड तो हो गया, अब हमने देखा हमें यहाँ जीरोस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आर वन है ये, सॉरी सी वन है, सी टू है, सी थ्री है, तो फर्स्ट ऑपरेशन मैंने सी वन पे लगाया क्या, सी वन माइनस सी टू, और C2 पे लगा दिया C2 टू माइनस सी थ्री, तो एक्स वाई जेड तो कॉमन निकाल रखा है, C1 वन माइनस सी टू वन माइनस वन ज़ीरो, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे ज़ीरो, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से हम फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में से x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दिया,
सेकेंड में से वाई माइनस जेड को हम निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बच गया, जीरो वन, एक्स माइनस वाई निकला है तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, जीरो वाई माइनस जेड निकाला है तो वन, यहाँ क्या बचेगा, वाई प्लस जेड, वन जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बाहर है हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। अब वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, करेंगे वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाई प्लस जेड माइनस में एक्स माइनस वाई, वाई से वाई गया तो ये आ गया आपके पास एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, कर सकते हो। तो ये थे, इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है, कर लेंगे सभी मेथड, सभी क्वेश्चंस में यही जाएगा। सेवन था, एट्थ में से रो में से निकलाएगा एक्स, यहाँ से वाई निकलेगा, यहाँ से जेड निकलेगा, फिर वही वन वन आ जाएगा, ठीक है, फिर उसमें सॉल्व करना चाहिए उसे। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ तक यही प्रोसेस है, तो क्वेश्चन नंबर टेंथ तक आप लोग सॉल्व करोगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर टेंथ तक आपको कंप्लीट करना, थैंक यू।